नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है राष्ट्र चिंतन। राष्ट्र चिंतन का विषय है संयुक्त परिवार। मित्रों, किसी जमाने में संयुक्त परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता था, किंतु आज देश में संयुक्त परिवार प्रणाली समापन की ओर है। लोग सीमित परिवार रखना चाहते हैं और अति सीमित रूप में रहना चाहते हैं। लेकिन मालूम है दोस्तों, संयुक्त परिवार प्रणाली सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक सभी दृष्टियों से उपयोगी और लाभकारी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, यह बात बिल्कुल अलग है। और टूटते बिखरते दरकते आज परिवार बहुत सीमित हो रहे हैं। हंसी उड़ गई है, खुशी उड़ सी गई है, साधन सुविधाएं उपलब्ध है। और मित्रों, अपने देश में संयुक्त परिवार की संख्या घटती हुई दिख रही है। उसका एक कारण तो यह है मित्रों कि औद्योगिकरण तथा नौकरी के सिलसिले में स्नेहशील भाइयों को भी दूर दूर रहने को बाध्य होना पड़ता है। शिक्षा हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धुरी है। इसके बावजूद लोग पढ़ लिख कर आज संयुक्त परिवार प्रणाली को समझ नहीं पा रहे हैं और टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। और मित्रों, मजबूरी के अतिरिक्त उसके लिए एक आवश्यक गुण भी चाहिए। आजकल दृष्टिकोण का अभाव ये संयुक्त परिवार के टूटने का बहुत बड़ा कारण है। और उसके कारण संयुक्त परिवार में कार्यों और सुविधाओं का संतुलन बिगड़ रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली में होता क्या है कि सब सदस्य सम्मिलित रूप से एक साथ रहते हैं। कभी कभी होता यह है कि कोई पिसता रहता है, कोई आलस्य में पड़ा रहता है, कोई मनमाना खर्च करता है, कोई आवश्यकताओं के लिए भी मोहताज हो जाता है। तो इस प्रकार होने के कारण से ये व्यवस्थाएं टूट हो रही है, छिन्न भिन्न हो रही है। संयुक्त परिवार को एक सहकारी समिति मानकर अगर चला जाए तो बहुत सही संयुक्त परिवार चलने लगता है मित्रों। और एक दूसरे के लिए असीम प्यार रखें, अपनी अपेक्षा अन्यों की सुविधा को प्राथमिकता देते रहें, यही तो पहले होता था। आवेश और कटुता है, दुर्भाव और तिरस्कार है, आलस्य और अकर्मण्यता है, अहंकार और दबाव की क्षुद्रताएं हैं। इन सबको निरस्त किया जा सके तो बिखरते परिवारों को पुनः संयुक्त रहने के लिए सहमत किया जा सकता है, परिवारों को जोड़ा जा सकता है। और मित्रों, सुव्यवस्थित आचार संहिता पर निर्धारित हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली अपने देश के लिए तो उपयोगी सिद्ध है। और मित्रों, चाहे तो हम समस्त संसार को भी इस परंपरा को अपनाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, पर यह तभी संभव है दोस्तों जब शालीनता और सज्जनता को बनाए रखा जाए और उसके विकास का निरंतर ध्यान रहे। शालीनता विहीन सम्मिलित परिवारों की स्थिति के दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। अपनत्व के अभाव में सम्मिलित परिवार का लाभ तो सब उठाना चाहते हैं, दायित्व कोई नहीं संभालना चाहता, तो संयुक्त परिवार टूटना ही टूटना है। फिर देखा देखी इतनी बढ़ जाती है कि किसी काम को न करने के कारण पूरे परिवार को हानि होने वाली हो तो भी सब एक दूसरे की ओर ताकते रहते हैं कि भाई ये लाएंगे, ये करेंगे, हम क्यों मंगाएंगे, चाहे तेल हो चाहे सब्जी हो, एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं और शक्ति नष्ट होती रहती है, पर उसका उत्पादक उपयोग नहीं हो पाता। एक दूसरे से छिपाकर पैसों और वस्तुओं की चोरी करने लग जाते हैं। कई सम्मिलित कृषक परिवारों में तो परिवार के सदस्य ही खेत से अनाज चुरा लेते हैं, अन्न आंगन में बिखरा रहता है जब एक में रहते हैं, और जब अलग हो जाते हैं तो कई किलो अनाज भोजन की जूठन के रूप में फेंका जाता है संयुक्त परिवार। जबकि अलग हो जाने के बाद न तो आंगन में इस तरह एक भी कण बिखरा दिखेगा और न कभी जूठन के रूप में अन्न को फेंका जाएगा। इतना हिसाब किताब रखते हैं सीमित परिवार में। संयुक्त परिवार में जहां आत्मघाती प्रवृत्तियां पनपे, आलस्य, अधर्मण्यता, प्रमाद, चोरी, झूठ, छल कपट, शक्ति की बर्बादी, दुर्व्यसन, अपव्यय आदि की वृद्धि होती रहे, वहां कलह, द्वेष, संताप, उद्विग्नता और पश्चाताप के सिवाय और किस बात की उम्मीद की जा सकती है। और मित्रों, ऐसे विक्षोभ और हताशा के विषाक्त वातावरण में हर व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता से त्रस्त रहता है। हमें यदि संयुक्त परिवार
और आदर्श परिवार बनाने हैं तो दोनों उद्देश्यों के लिए वर्तमान रीति नीति का पुनरीक्षण करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि इसमें कहाँ त्रुटि हो रही है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। मित्रों, चलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक भिलाई शहर ले चलता हूँ। रिसाली एक छोटा सा गांव है भिलाई से लगा हुआ। वहाँ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित का एक व्याख्याता श्री संजय देशमुख जी, उनके बड़े भैया खिलावन देशमुख जी हैं। मैं उनके यहाँ गया हुआ था। मुझे बताया गया कि संयुक्त परिवार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे निकट जाकर के देखा जा सकता है। मैंने देखा, सचमुच में सारे बहुओं में इतना प्यार है, देवरानी जेठानी का प्यार, उनके बच्चों से जो नए नए अभी बहुएं आई उनमें प्यार, और सारे बच्चे सम्मिलित रूप से एक साथ खेलते रहते हैं, किसी भाई में कोई विवाद नहीं। इतना बढ़िया 25 लोगों का परिवार आज एक साथ रहते हैं और सब काम मिलजुल कर करते हैं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बहुत ही हंसते खिलखिलाते यह परिवार रिसाली में देखा जा सकता है। मित्रों, संयुक्त परिवार एक आदर्श बने इसका ध्यान रखें और इसकी शुरुआत अपने आप से करें। तो मित्रों, अब इसी के साथ में मेरा चलने का समय हो रहा है और मुझे दीजिए इजाजत। टीकम सी चंद्राकर का आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। श्री राम वीडियो फिल्म में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी न्यू वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।